गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विशु सैनी फ्रॉम सिंचा ग्लोबल स्कूल। हमने मैथ्स में चैप्टर 5 जिसमें डज इट लुक द सेम, इसमें हमने 1/3 टर्म और 1/4 टर्म तक अपन ने कर लिया था। 1/2 मतलब हाफ और 1/4 टर्म अपने कर लिया था कि किस तरह ये 1/4 टर्म करने पे शो होता है। अब आज हमें प्रैक्टिस टाइम करना है कि क्वेश्चन क्या है। अमाउंट द फॉलोइंग शेप, फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्म। कि 1/4 टर्म के बाद में ये कौन से सेम लगेंगे, उस पर राइट लगाना है और कौन सा नहीं दिखेगा उस पर अपन को क्या लगाना है, रॉन्ग लगाना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट, क्या फर्स्ट टर्म होने पे सेम दिखेगी? क्या जो फर्स्ट शेप है इसको अगर अपन टर्न करेंगे तो क्या ये सेम दिखेगी? यस और नो? नो, ये वाली सेम आपकी नहीं दिखेगी, क्योंकि जब अपन इसको टर्न करेंगे तो ये चीज इधर आ जाएगी जो सेम नहीं रहेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये सेम नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम रहेगी क्या? नेक्स्ट भी आपकी सेम नहीं रहेगी, तो उसमें भी क्या लग जाएगा आपके, रॉन्ग। फिर नेक्स्ट देखो थर्ड वाले में, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते तो वैसे भी क्या होता है, रॉन्ग। सेम कलर है, सेम शेप है, इसलिए राइट। सेम शेप है लेकिन दोनों में कलर अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसमें देखो सारी शेप सेम है और कलर भी है, बीच में स्क्वायर है, इसको अपन कैसे भी घुमाएंगे वो सेम ही रहेगा। और 7/3 क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि ये अलग बना हुआ। 8 तो पूरा सेम है, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है कि ट्राई एंड चेंज द शेप इन सच वे दैट द न्यू शेप रिमेन सेम ऑन गिविंग इट हाफ टर्न। मतलब जब अपन इसको हाफ घुमाए तो ये सेम रहे, मतलब इसमें कोई भी चेंज आपके ना आए, तो वो किस तरह अपन इसको घुमाएंगे। तो देखो कुछ नहीं करना है, अपने ये जो बनावा है इसको आप कहाँ बना दोगे, यहाँ पे बना दो। ये जो ऊपर बनावा है इसको आप कहाँ बना दोगे, यहाँ सेंटर में। तो देखो सेंटर में अगर स्क्वायर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके एकदम सेम हो जाएगा। ओके, तो ये आपको स्क्वायर यहाँ पे बनाना है। फिर नेक्स्ट में देखो ये है, इसको आप कैसे बनाओगे, तो इसको इस तरह देखो, ऑरेंज कलर है ना, तो देखो किस तरह करोगे आप, जैसे ये तो सेम इस तरह से रहेगा, इसी की ये वाला है, इसी को यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से सेम कर दो। तो अब आप इसको कैसे भी घुमाएंगे तो ये इसी तरह से आपके रहेंगे। आप उसको फिर कैसे भी रोटेट करो, 1/2, 1/4, तो ये क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। 1/2 में ये सीधा हो जाएगा, 1/2 में ये अभी इस तरह से है, 1/2 में ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ओके चलो देखो अब ये नेक्स्ट, इसमें अपन क्या करें, तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो ये वाला जो ब्लू है इसको अपन यहाँ पे सेंटर में बना देंगे। क्या बना देंगे, यहाँ पे सेंटर में। आपको ये जो मैं करेक्शन वाले बना रही हूँ वही आपको बनाने हैं, मतलब नोटबुक में और पेंसिल कलर से करने हैं, आपको अच्छी अपनी पेंसिल कलर यूज करना है। फिर ये जो व्हाइट वाले हैं ये अपन यहाँ बना देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ताकि अब अपन इसको 1/4 टर्न करेंगे तो ये क्या रहेगा, सेम ही रहेंगे। कैसे रहेगा, एकदम सेम रहेगा। ओके, ये वाले आपको नहीं बनाने हैं, जिसपे मैं ब्लैक लगा रही हूँ आपको कॉपी के अंदर नहीं बनाने, जिसपे मैंने क्रॉस लगाए, क्योंकि जो मैंने बनाया है कनेक्शन करके वो आपको बनाने हैं। फिर देखो नेक्स्ट, इसमें क्या करें, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला देखो, इसको तो पूरा बनाना पड़ेगा। देखो आपको ये जो ना दो टू सर्कल है इन दोनों को आपको यहाँ पे बनाने हैं, बाकी ये इस तरह आपका डायग्राम हो जाएगा। और फिर कलर तो आप इसमें कर ही देना, कलर आप इसमें कर देना, ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और एकदम क्लियर बनाना है आपको, पेंसिल होगी आपके पास, स्केल होंगे, आप उसे एकदम क्लियर बनाएंगे। ओके, ये दोनों सर्कल आपके यहाँ बन जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ जो अंदर के दोनों पिंक है इनकी वो चेंज कर देनी है, ये ऊपर है तो इसको यहाँ पे इस तरह से आप बना दो। क्या होगा, ये सर्किल बना रहे हैं पूरा, इसके अंदर देखो ये पिंक ऐसे बना दोगे आप, और ये वाला पिंक इस तरह से यहाँ पे आप बना दोगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या देगी, ये दोनों शेप्स आपकी एकदम, फिर आप इसको 1/4 रोटेट करोगे तो ये दोनों शेप सेम ही। ओके, अब देखो नेक्स्ट, किस टाइप की ये शो होगी, तो ये अपन को बताना
तो देखो सबसे पहले तो 1/4 मतलब सिर्फ इसको एक तरफ घुमाना है, इस तरह हो जाएगा 1/4 मतलब आधे का भी आधा, हाफ मतलब ये एक बार और इधर घूम जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, हाफ में ये एक बार और ऐसे घूम जाएगा तो ये आपका इस तरह से शो होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर को आप 1/4 घुमा लो, 1/2 मतलब हाफ घुमा लो, वो सेम ही दिखेगा, हाफ हाफ मतलब क्या होता है 1/2। रेक्टेंगल है, देखो इसको 1/4 घुमाएंगे तो ये एकदम सीधा हो जाएगा है ना, और फिर वापस इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये वापस अपने जो शेप में था उसी शेप में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो 1/4 घुमाएंगे तो ये इधर की तरफ हो जाएगा, ये इस तरह से आपके हो जाएगा। फिर वापस घुमाएंगे तो ये जिस शेप में था उसी शेप में ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना और इसके अंदर कलर आप लोग फिल करेंगे, ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। 1/4 टर्न पे कौन कौन सी शेप नहीं दिख रही है सेम, तो 1/4 टर्न देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/4 टर्न के लिए, 1/4 टर्न में कौन कौन सी शेप सेम नहीं लग रही है, देखो ए सी और डी कौन कौन सी नहीं लग रही है, ए सी और डी। फिर हाफ टर्न में कौन कौन सी शेप सेम नहीं लग रही है, हाफ टर्न में सिर्फ ए, कौन सी जो ए शेप है वो सेम नहीं लग रही है, बाकी तो सारी क्या है सेम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। 1/3 टर्न पे कौन सी शेप सेम लगेगी, देखो 1/3 मतलब तीन में से एक बार घुमाना, जिसकी थ्री साइडों से अपन एक बार रोटेट करेंगे, तो देखो सेम कलर है अपन इसको कैसे भी रोटेट करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, तो यस ये क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। लेकिन ये सेम रहेगा क्या, ये आपके सेम नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये सेम क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ बीच में ब्लू है, ये रहा ब्लू, जब अपन इसको टर्न करेंगे तो देखो ये वाली शेप यहाँ आ जाएगी, ये वाली शेप आपकी यहाँ आ जाएगी, तो देखो ये जो ग्रीन अभी यहाँ था ये ग्रीन अभी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर ये जो पर्पल है वो कहाँ चले जाएंगे, ये वाला पर्पल यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसमें अलग शेप थी तो अपन को पता चल गया इसमें शेप क्या है आपकी सेम है, तो इसमें आप कैसे भी रोटेट करोगे वो उसी तरह से रहेगा, तो ये वाली शेप क्या लगा दो क्रॉस की सेम नहीं रहेगा। सारी चीज सेम है इसमें आप कैसे भी घुमाओगे ये क्या रहेगा आपके सेम ही रहेगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो देखो कैसे बनाओगे आप इसको, ये इस तरह हो जाएगा, इसके ये अंदर वाला तो पूरा व्हाइट हो जाएगा और जो बाहर है ये इस कलर के ऑरेंज रह जाएंगे, ओके। इनमें आपको पूरा अच्छे से कलर करना है इसको, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करना, ओके। तो ये था आपने 1/3 टर्न, क्या था 1/3 टर्न, जो 1/6 है मतलब 6 में से एक बार टर्न करना, 6 में से एक बार टर्न करना, तो जो ये आपके 1/6 टर्न है ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किसमें करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो अभी आपको ये इतना टर्न है और 1/6 वाला अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि 6 बार मतलब 1/3 था कि 3 साइड थी तो एक बार टर्न करना, ऐसे 1/6 था कि 6 साइड है तो एक बार टर्न करना, ये तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब भी आपको ये पूरा अपने कलर जो है आपको पेंसिल कलर ही यूज करने हैं, तो बेटा बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।